सो हियर वी आर, वी हैव रीच्ड. सिक्योरिटी भी कर ली है हम लोगों ने और चेक इन ऑफकोर्स कर लिया है, बट मेरा सामान ज़्यादा हो गया था कुछ इसमें और एक इसमें कम था, सो रीडिस्ट्रीब्यूशन टुक सम टाइम. आई डिड नॉट फिल्म इट, इट वॉज क्रेजी. तो सामान मैंने फाइनली पे किया बिकॉज आई वाज सो टायर्ड ऑफ द एंटायर स्टोरी. तो आई सिंपली थ्रोन अवे हाफ ऑफ द थिंग दैट आई थॉट आई नीडेड बट आई डिड नॉट नीड लास्ट मोमेंट थ्रोइंग. सो या अब हम ये यहाँ पर हैं विच इज़ ड्यूटी फ्री एरिया एंड प्रॉब्ली आगे लाउंज है विच वी आर गोइंग टू गो इन. चलिए वी आर एट द लाउंज एंड नाउ वी आर ईटिंग. मैंने ना बड़ा अजीब सा सिलेक्शन किया है. शो यू व्हाट आई हैव डन. दिस इज़ व्हाट आई हैव डन. ये मैंने ना खुद से चाट बना लिया. आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स. पनीर का टिक्का है और ये कुछ तो सम सॉर्ट ऑफ फ्राइड राइस है. सो दिस आई एम हैविंग एंड लेट यू नो हाउ इट इज. अच्छा ये तो बहुत ही सुंदर लाउंज है यहाँ पे. आई शो यू मॉम. इस तरह की दिख रही है फ्लाइट. तो हम लोग गेट की तरफ जा रहे हैं अब. तो वी आर रेडी. बीच के जो आइल्स हैं वो तो तीन हैं. यस, लाउंज से हम निकल गए थे एंड देन काफ़ी लंबा चलना पड़ता है यहाँ पे. करीब 15 मिनट का ब्रिस्क वॉक है और एक घंटा ही रहा है बट गेट ओपन दिखा नहीं रहा है अभी. सो वी आर होपफुल दैट वी आर नॉट लेट. आज की फ्लाइट का इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है. सामान कम रखूंगी बट जो बैग मैंने मेरे पीछे ली इट्स ऑल द डिटेल्स. इतना इंटरेस्टिंग है. और ज्यादा चलना पड़ता है जगह यहां से वहां तक. गोइंग टू बी क्रेजी. कैसे जा रहे हैं तो सोना भी है जाना भी है. एक्साइटिंग अभी फ्लाइट है. आई थिंक हो ही जाएगा कुछ ना कुछ है ना. व्हाट बोर्डेड एंड अब मैं आपको दिखा देती हूं क्या क्या दिख रहा है. अच्छे पीछे ऊपर स्टार्स दिख रहे हैं. आई मीन इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो. बड़ी बढ़िया लग रहा है. हमारे में भी बहुत ही फाइनेंस है. एक दो इंटरनेशनल था वो ऊपर से ना उसके लिए बाइक में लेके बड़ी आता है चीज़. थोड़ा सा हम लोग मिला बने हैं और समझ में नहीं आ रही आगे से ज़्यादा चीज़ कैसे करनी है. आई थिंक ये जो हमारा दुबई तक का लेग है दैट वी विल यूज टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स एंड वी विल एक्चुअली नो दिस ऑन नेक्स्ट डे. चलो मैं पैकिंग करते हैं.
सो ये कुछ इस तरह से दिख रही है ये फ्लाइट। इसमें तीन दो दो का अरेंजमेंट है, यानी दो बीच में तीन हैं और दोनों साइड्स में दो दो हैं। वी हैव गॉट द टू वाला सीट्स। अब इसमें ये सामने बड़ी सी स्क्रीन है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। इंफॉर्मेशन है जिसमें मोस्टली आई थिंक फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन वगैरह दी हुई है इन लोगों ने, कि आज की फ़्लाइट कहाँ जा रही है, कितना समय लेगी, किस एलिवेशन पे, मतलब एक्सेट्रा, बेसिक टेक्निकल चीज़ें हैं। बट ये मैप बड़ा ही ब्यूटीफुल दिखता है, मतलब दिन और रात का फ़र्क आप देख सकते हो ना, कहाँ तक रात है इस वक्त और कहाँ दिन है। तो या तो दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग और उतना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं। सो या इट्स एक्साइटिंग टू सी किस तरह से वो दिखता है। नाउ व्हाट एल्स आर वी सीइंग? मेरे ख्याल से हम लोग एक बार देख लेते हैं पीछे क्या है। कनेक्टिविटी में शायद इंटरनेट और इसका होगा। हाँ या तो व्हाट वी आर सीइंग इज़ वाईफाई। ये चालू कैसे होता है यार? ओके अब ये इंटरेस्टिंग है। ये इन सीट पावर दिखा रहा है अपना। नाउ लेट्स फिगर आउट वेयर इट इज़। दिस, ओ माय गॉड, ये तो कुछ अजीब ही दिख रहा है और ये अलग दिख रहा है। आई डोंट नो वेयर इट इज़। नाउ व्हाट आर वी सीइंग? ये आप अगर आपका कोई दूसरा व्यक्ति कहीं और बैठा है, यू वॉन्ट टू कनेक्ट टू समबडी, आई थिंक इट इज़ फॉर दैट की सीट टू सीट, आई थिंक। ओके लेट दिस फिनिश फर्स्ट एंड देन वील टॉक मोर। अब हम क्या देखें? एंटरटेनमेंट, येस। ओ माई गॉड, इसमें तो बहुत कुछ है। मूवीज दिख रही हैं, टीवी है और म्यूजिक भी है। ओके लेट्स सी व्हाट ऑल देयर इज। आई थिंक वी विल हैव टू एक्सप्लोर दैट। और उसके लिए हेडफोन्स भी दिए हुए हैं उन्होंने। सो या मतलब कोई आवाज़ ज़ोर से नहीं आएगी, आपको कनेक्ट करके सुनना पड़ेगा इसको। दिस लुक्स रियली इंटरेस्टिंग। सो फाइनली हमने डिस्कवर कर लिया है, ये इसके लिए है, हेडफोन के लिए। और जो पावर वाला है वो कहीं छुपा हुआ है, देखो यहाँ पर माइक। नेक्स्ट फ्लाइट है हमारी, ये बड़ी लंबी होने वाली है हमारी फ्लाइट। अब हम सोएंगे यार, सोए नहीं है बिल्कुल भी। पहली फ्लाइट में कुछ आधा घंटा हमारी नींद हो पाई बैरली। अब लंबा सोएंगे, खाएंगे पियेंगे और फिर जैसा जमेगा वैसा फ्लाइट में से मैं आपको वापस अपडेट करूँगी। ओके बोर्डिंग ना। तो मैंने बोर्ड कर लिया है और इस फ्लाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है, आई शो यू। बड़ा है ये और इसमें फ्लोर्स हैं। नीचे वाले फ्लोर में इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी है शायद, एंड ऊपर वाले फ्लोर में बिजनेस और फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ अब हम लोग आकर बैठे हैं। अब यहाँ पर देर इज सामने, तो इधर यहाँ सामने स्क्रीन है और यहाँ दिस यू कैन यूज़ फॉर नेविगेटिंग इन योर स्क्रीन। देन देर इज़ वाटर एंड सारी जो भी चीज़ें आपको बताती हैं, एंड अच्छा ही लग रहा है मुझे। ब्रिज भी है तो अब यहाँ के हिसाब से बच रहे हैं दो, आई थिंक इंडिया के हिसाब से चार बज रहा हो, 3:30 या 4 बज रहा होगा। तो अब नींद ही नहीं आ रही है एक्चुअली मुझे, बट सोएंगे क्योंकि नहीं सोएंगे तो वहाँ तो जब हम पहुँचेंगे तो सुबह हो गई होगी, 8:30 बज रहे होंगे। बहुत तेज़ नींद आएगी और दिन बड़ा ख़राब रहेगा फिर। तो वन वे और द अदर सब कुछ बंद करके सोएंगे थोड़ी देर बाद, एक बारी उड़ जाएगी तो उसके बाद। तो इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी। अब मैं बाकी फ्लाइट में फिल्म नहीं करूँगी,
आई विल टेक अ ब्रेक और इसके बाद सीधा वॉशिंगटन में मुझे उतरने के बाद ऐसा लगता है दैट आई विल ट्राई टू स्विम एंड देन नाउ एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैंने कहा था मैं फिल्म नहीं करूँगी बट ये लाउंज बड़ा ही अमेजिंग है यार, खाने पीने की चीज़ें और बढ़िया आराम से बैठ हुए। सो अब ब्रेकफास्ट मिल गया है हमको, ये है सैलड और सूप है, ब्रेड है और बटर और विनेगर है शायद, पता नहीं क्या तो दिया है, सोया सॉस टाइप का दिख रहा है, ये शायद ब्रेड के साथ खाना है बट अच्छा लग रहा है ना, अमेरिकन ब्रेकफास्ट है। दिन हो गया है और खिड़कियाँ वगैरह खोल लिया है लोगों ने, बड़ा ही अच्छा लग रहा है यार, मतलब तैयारी कर रहे हैं हम लैंडिंग की एंड यार सुपर डुपर एक्साइटेड, दिस इज सो अमेजिंग, द फ्लाइट वाज अमेजिंग। Oh,